Hello and welcome guys, presenting you in my new video Roster. आज की वीडियो हम जिस दरिंदे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, इस वीडियो के बारे में हम रोस्ट करने जा रहे हैं, वो ये कोई मामूली दरिंदा नहीं है। ये यूट्यूब पे काफी सालों से एक्टिव है, इसके 2200 सब्सक्राइबर है। लोग इसे देख के लोग तिल तिल पल पल मर रहे हैं, पर ये इस यूट्यूबर को आप लोग बिल्कुल हल्के में मत लेना। ये बहुत ही गहरी चिंबक है, जो एक बार YouTube पे चिपक गई तो सारी जिंदगी नहीं निकल सकती, सारी जिंदगी YouTube पे चिपकी रहेगी। ये आपका फर्ज बनता है कि ऐसे चैनल पे जाए, रिपोर्ट करें और ऐसे टॉर्चर्स है ना बंद करें। इन लोगों को हम इंसानों की कैटेगरी में नहीं डालते, ये लोग मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। मोक्ष जैसे ढिंचक पूजा हो गई, ओम प्रकाश मिश्रा हो गए, इनको बस सिर्फ गाना गाना है। अच्छा है, बुरा है, किसी को पसंद आ रहा है, किसी को पसंद नहीं आ रहा, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई सोचेगा अच्छा गा रहा है बुरा गाना है। सोटे लगानी है नारू 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 जो नाना तिरुष्का मारू, ये सब करते हैं, इनके बस की और कुछ नहीं है। इनका मकसद है सिर्फ पैसा कमाना। आप ढिंचक पूजा का चैनल खोलिए, मैंने खुद चेक किया, उस पर 58 करोड़ से ज्यादा व्यूज है यार। 58 करोड़ व्यूज एक प्रोफेशनल सिंगर पे होते हैं, 58 करोड़ व्यूज। और आप जानते हो मिनिमम 10 लाख कमाई, 10 लाख व्यूज पे कितनी कमाई होती है? मिनिमम 10 लाख व्यूज पे कमाई होती है 60,000 से 70,000, वो भी हर तरह का टैक्स काट के मिनिमम कमाई। तो उसके 58 करोड़ व्यूज हैं। वो लोग बेवकूफ नहीं है, वो हमारा बेवकूफ काट रहे हैं, इसलिए ऐसे चैनल ना देखे ना प्रमोट करें। तो अब आपका बात बिल्कुल टाइम ना वेस्ट करते हैं, पूरे वीडियो में स्टार्ट करते हैं। जिस दरिंदे की हम बात करने जा रहे हैं, ये दरिंदा है देव, नाम है इसके चैनल का, नाम देव्स लाइव। लाइव वाइव में इसके कुछ नहीं रखा है, लाइव इसकी अपनी झंडा है, फिर भी इसको इतना घमंड है यूट्यूब पे से बनाए चैनल एकदम झंडा है। झंड मतलब झंड चैनल भी शायद अच्छे होते होंगे, इतना ढीला कि मैं क्या बताऊं, हे भगवान। कैरी मिनाटी यानी अजय नागर बेटा इंडियन रोस्टर्स के का दादाजी है। दादाजी, अब दादाजी को रोस्ट करने की कोशिश तो ना कर। तू तैयार हो जा, मैं सबका बदला लूंगा, आज मैं तेरा रोस्ट करूंगा। रोस्ट करूंगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल कर, तू कैरी का रोस्ट कर, बिल्कुल तुझे हक बनता है यार। तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा? कहाँ कैरी, कहाँ तू। बेटा सुन, एक होता है ढीला, एक होता है थोड़ा बहुत ढीला, और एक होता है ढीलों का सरताज, पर तू इनमें से कोई भी नहीं है, समझ गया? वो सब भी तुझसे फास्ट होते हैं, मतलब एक जो गधा होता है ना, जो पूरा दिन सामान ढो के लाता है, वो भी शायद तेरे से फास्ट काम करता है। जितना ढीला होकर तू वीडियो बनाता है ना, शायद इस दुनिया में कोई वीडियो बनाता होगा। अजय नागर जैसे कि अंधेरी टू दादर। अजय नागर जानता है अजय नागर कितना बड़ा नाम है? अबे साले वो है अजय नागर और तू साले बिन समंदर के सागर। कैरी के फैंस तुझे पीटेंगे ले जाके अंधेरी टू दादर, वो भी गिरा गिरा कर, फिर चाहे तू हाँ कर या ना कर, तेरे अंदर की किनर निकाल के छोड़ेगी पब्लिक, समझ गया? तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। ये डालते गया और फेमस होते गया, वो वीडियोस डालता गया और फेमस होते गया, मतलब हलवा है ना, कोई भी वीडियो डालेगा और फेमस हो जाएगा। ऐसे तो है इसके मोहल्ले में, जब भी कोई गटर साफ कर रहा होता है, लोग क्या करते हैं, डंडी की तरह है, इसको गटर में डालते हैं, पूरे मोहल्ले का गटर इसको यूं डालते हैं और गटर साफ हो जाता है। मतलब इसके मोहल्ले वाले इसको डंडी बना के डालते गए और गटर साफ होते गए, बस यही होता है। यूट्यूब हम तो पागल है, 12-12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, पहले चैनल की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, फिर इन जैसे बेवकूफों को देख रहे हैं, फिर इनका टॉर्चर दिमाग पर सह रहे हैं, फिर खुद स्क्रिप्टिंग करके पूरी प्रॉपर स्क्रिप्ट अपने हाथों से तैयार कर रहे हैं, फिर दोबारा स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि इसमें किसी कोई पंच की कोई कमी तो नहीं है, कोई चीज़ की कमी तो नहीं, कोई गाना, कोई सीक्वेंस, कोई ऐसा पंच आ जाए कि जिससे पब्लिक हंस पड़े। बट नहीं, इन्हें ना, इन्हें कोई लॉजिक से फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसमें लॉजिक है, कोई मैजिक है, कोई चीज़ अच्छा एक ऐसा पंच मारे कि पब्लिक हंसे, खुश हो जाए। मतलब अपने अंदर का, मतलब जो इतने, मतलब पूरे दिन की टेंशन, पूरे काम की टेंशन, गर्लफ्रेंड की टेंशन,
सुबह बॉस से लड़ने की टेंशन, हर चीज की टेंशन सोच के आदमी यूट्यूब पे आता है यार, यूट्यूब पे अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी, पर फिर भी इस जैसे टॉर्चर हम लोगों को सहने पड़ते हैं। ये तो आजकल की दरिंदगी छाई हुई है यूट्यूब पे। अबे ऐसा नहीं होता, मरोड़ के चूरन के डिब्बे रोस्टिंग वीडियो बनाने के लिए दिमाग के न्यूरॉन्स की लंका लगानी पड़ती है, तो जैसे बुझेली बत्तियों की ट्यूबलाइट जगानी पड़ती है ताकि तुम सब ये पागलपन छोड़ दो और यूट्यूब वासियों को चैन चैन की सांस जीने दो। यूट्यूब के पैसे से लोगों को रोस्ट करके दो फॉर्च्यूनर तो खरीद ली, लेकिन तू तो उसमें कभी बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि इतने पैसों में, इतने जो तुझे यूट्यूब से मिले हैं ना, इतने पैसों में सिर्फ प्लास्टिक के खिलौने आते हैं। और आप जानते ही होंगे वो खिलौने बेचने वाला प्राणी यही था। पर कैरी ने से खिलौना खरीद नहीं पाया, पता है क्यों? क्योंकि उसके बाद ये कैरी को बोला, क्या चलता है क्या 9 से 12? अरे साली तुझे। ये देखिए रोस्टर्स के दादा को धमकी देते हैं। कैरी जब तू मरेगा ना तो ना तुझे जलाएंगे और ना ही दफनाएंगे, क्योंकि जलाने से एनवायरनमेंट खराब होता है। जलाने से यानी कि प्लास्टिक जलाने से एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है, और दफनाने से मिट्टी खराब होगी रे, इसलिए ना तुझे छील के हुए खाएंगे, ना तू जलेगा और ना ही तू दफनाया जाएगा, तू सड़ते रहेगा। अगर मुझे मौका मिले ना इसको जलाने के लिए, ना इसको मैं ना जलाऊंगा ना मैं इसको दफनाऊंगा, इसको मैं सीधा सहारा रेगिस्तान भेज दूंगा, वहाँ ये अपने अपने जैसे दोस्त और सांप केंचू और बिच्छू को डराया करेगा। देव जब भी तुझे अपने मोहल्ले में कुत्तों को डराना होता है तो कैसे चेहरा बनाता है? कोई तो पड़ोसी तेरे से पैसे लेके जाता है और वो तुझे 4-5 दिन तक पैसे ना दे तो कैसे तू पूरा 24 घंटे क्या करता है उसके, ऐसा कि तू ऐसे चेहरा बना के उसके सामने घूमता है कि वो तेरा पैसा तुझे वापस कर दे। जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, कैसा ये खुमार है तेरा चुम्मा, जहर है कि प्यार है तेरा चुम्मा, कैसा ये खुमार। जब तेरे को स्कूल में टीचर कोई भी सजा देती थी तो उनको क्या कह के तू अपने क्या चीज दिखा के टीचर को डराता था? कोई लोग तेरे पास नशा बेचने आते हैं, कोई वो ड्रग्स हीरोइन चरस गांजा, तो उनको किस तरह के चेहरा बना के डराता देव? एक मिनट, साले 1.5 लाख व्यूज, मेरे को मैथ्स के पेपर में नहीं मिले कभी 50 के ऊपर। खत्म है भाई, पूरा खत्म है, अब कुछ नहीं बचा, मैं जा रहा हूँ। मैथ्स के पेपर का इसने जो अपना कंपैरिजन है, मतलब 50 नंबर कंपैरिजन 1.5 लाख व्यूज से कर दिया। मतलब आप एक बात बताइए ना देव भाई साहब, मुझे सिर्फ इस एक बात का जवाब दे दो, ऐसी इतनी कौन सी आप हाई क्वालिटी की वीड लाते हो जो आप नशे करने के लिए सूंघते हो? मतलब आपका वो वाला हिसाब है कि आपने माल तो लाना ऋषिकेश से पहाड़ चढ़ के अघोरी जो बाबा बैठे होते हैं शिवाय, उनसे हल्की क्वालिटी का माल ले आते हैं और फिर ये जाके मनाली में यूं जाके फूकते हैं बैठ के, वो भिखारियों की तरह टट्टी नहीं कर रहे थे, टट्टी ये देखो यूं टट्टी कर रहे फीलिंग हैप्पी विद 69.69 अदर्स, ओह यह वड़ा माल, आई एम गोना लविंग इट, ओह यह पाद किसने दिया, मैं इसकी पूंछ का बाल। इन गरीबों का ना इतना ही बजट है, मतलब यार गाड़ी का गियर ढंग से लगा नहीं, इसने गाड़ी रोक दी भाई। 70 रुपए वाली रेंज रोवर बुलाओगे ना भाड़े पे किराए से, ऐसे ही सीन मिलेंगे तुमको। 70 रुपए का बजट कह दिया इसने गाड़ी का, 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी जो 10 या 20 हजार रुपए घंटे के हिसाब से लोगों को किराए पे मिलती है कि भैया 10,000-20,000 रुपए देंगे तो एक घंटे के लिए सिर्फ शूटिंग के लिए, मतलब उसके सिर्फ दर्शन भरने करने के लिए 10 से 20 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। 1.5 करोड़ की गाड़ी को उसे 70 रुपए का बजट बता दिया भाई, किसी अच्छी मोहल्ला अस्पताल में जाके केजरीवाल वाले के इलाज करा ले, उसे वोट दिया कम से कम उसका तो फायदा उठा ले लाइफ में, लाइफ का कितनी झंड कर रखी है तूने। ऐसी हरकतें यूट्यूब पे करेगा कैसे जियेंगे लोग तेरे अपने घर वाले, कभी पता चलेगा कि भैया ऐसी हरकतें ये हमारा लड़का यूट्यूब पे कर रहा है, वो तो डिप्रेशन में आ जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे किसी दिन तेरे घर वाले बंदे ने वीडियो देख ली। तुझे कोई प्रमोट नहीं करता ना ही कोई तेरी वीडियो देखता है, लोग हंसना तो दूर की बात है, लोग डिप्रेशन और कोमा में जा रहे हैं तेरी वीडियो देख के, बंद कर दी अत्याचार करना।
हमारा नहीं तो हमने पब्लिक का तो लिहाज कर, पब्लिक का लिहाज नहीं करेगा तो कैसे काम चलेगा? इंसान पे दया नहीं आ रही, कम से कम थोड़ी भगवान पे ही कर ले। वो तेरे बारे में जब तेरी हार्ड डिस्क लोड हो रही होगी क्या सोचेगा ऊपर किस कर्मों की गुनाहों की सजा दे रहे तू भगवान को और पब्लिक को? ये मजबूर है आप नहीं, ना ऐसा करे और ना किसी को करने दे। दारू दारू दारू, जो ना नाचे उसको मारू। मीनिंगलेस, एकदम घटिया, एक बेकार लिरिक्स। मतलब मैं नहीं नाचूंगा तो मेरे को आके मारेगी, नहीं मैं नहीं नाचता, जा मार, क्या करती मैं भी देखता। इससे साफ प्रूफ होता है कि रोहित शेट्टी की गोलमाल मैजिक का और देव के लॉजिक का कोई अंत नहीं है भैया। ये सारी चीजें सारी जिंदगी जैसे कुत्ते की तुम टेढ़ी थी, है और रहेगी, वैसे देव के लॉजिक है और रोहित शेट्टी की गोलमाल है, टेढ़ी थी है रहेगी। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब रोस्टर रोस्टर, डिटेल्स आर इन ब्रो, बाय।